आज हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क। कंडेंस्ड मिल्क का यूज केक में, मिठाई में, खीर में और भी बहुत सारी चीज़ों में कंडेंस्ड मिल्क का यूज होता है और इसे घर में बनाना बहुत आसान है। तो चलिए फ्रेंड्स, कंडेंस्ड मिल्क बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें आप लिए 1 लीटर दूध, 200 ग्राम चीनी, इसके बाद हम लेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। अब हम सबसे पहले गैस पे कोई भी बर्तन रखेंगे जिसमें भी आप कंडेंस्ड मिल्क को बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे कढ़ाई ली हूँ, इसके बाद मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। दूध में हल्का उबाल आने देंगे, उसके बाद हम चीनी को डालेंगे। दूध में हल्का उबाल आ गया है, अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ और इसे इस तरह से चलाएंगे। चम्मच को कढ़ाई के तले तक ले जाते हुए चलाना है ताकि कंडेंस्ड मिल्क कढ़ाई के तले में चिपके नहीं, हमें इसका ध्यान रखना है। देखिए ये लगभग आधे से भी कम हो गया है, अब हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। ये अभी इतना ठीक है। और ये जो साइड साइड में मलाई लग गया है, हम इसे भी इसी में मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से हमारा कंडेंस्ड मिल्क में और क्रीमी टेक्सचर आता है। देखिए ये पहले से और गाढ़ा हो गया है और इसमें छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं। ये हमारा हो गया है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। देखिए हम इसे बाउल में निकाल लिए हैं। ये अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, ये अभी इतना ठीक है। जब पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो ये और ठीक हो जाएगा और जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो इसे हमें इसे इतना ही ठीक रखना है, ज़्यादा ठीक नहीं करना है। ये हमारा कंडेंस्ड मिल्क बनके तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।